फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रप्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और गाइस, आज की शुरुआत मॉर्निंग 9 बजे से कर रही हूँ। आज का ब्लॉग 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, हालांकि मेरा सुबह नहाना धोना पूजा सारा कंप्लीट हो चुका है। और आज का ब्लॉग है ईटिंग चैलेंज, ठीक है। और ईटिंग चैलेंज क्या है, वो है बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो कि हम लोग घर में ही बनाने वाले हैं। तो घर में बनाने के साथ साथ, ईटिंग चैलेंज के साथ साथ, बिरयानी कैसे बनाते हैं हम लोग घर में, तो वो भी शेयर करेंगे आप लोग से। तो देखिए, मेरा ऑलरेडी सब कुछ तैयार नहीं हो चुका है, अभी मुझे तैयार करना है, रेडी करना है बिरयानी के लिए। और ये रहा मेरा चिकन, वो मार्केट से ही काट के लाए हैं, ये है चिकन। और जो कि बोलने भूल गए हैं, ये छोटा छोटा पीस है। एक्चुअली बिरयानी के लिए तो बड़ा बड़ा पीस होता है, लेकिन हर दुकान में अलग अलग तरीके से काटता है। खैर, तो ये रहा चिकन, और अभी कुछ भी रेडी नहीं है, तो फटाफट तैयार कर लेते हैं। और साथ में देखिए, हम तो रेडी करेंगे, और लेकिन ये बनाने वाले हैं। और देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा इंडक्शन थोड़ा सा साफ़ सफाई चल रहा है इंडक्शन का, ये बहुत ही गंदा हो चुका है इंडक्शन, और अंदर में छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी अंदर में इसका अपना घर बना लिया है। तो वही साफ़ कर रहे हैं। आपको कुछ बोलना है इस मामले में, इस बारे में? कुछ हमको नहीं बोलना है, ये अभी साफ़ हो रहा है, उसके बाद ही खाना बन पाएगा। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, और बहुत ज़्यादा इसका जो वेंटिलेशन है, इसमें वेंटिलेशन, जो एयर वेंटिलेशन, इसमें से एयर पास होता है, तो इसमें से झूल वगैरह, ऑयल वगैरह पास होता है, तो ये निकल गया था। तो इसको तो थोड़ा सा साफ़ करना है, उसके बाद ही ये आएगा इसका ओरिजिनल शेप में। तो चलिए, और हम लोग गैस प्लस इंडक्शन दोनों में ही खाना बनाते हैं, क्योंकि दोनों में हम लोग एक्चुअली इतना काम बढ़ गया है कि टाइम 24 घंटा भी हम लोग के लिए कम पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग गैस और इंडक्शन दोनों यूज़ करते हैं, ताकि फटाफट हो जाए, और साथ में यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए कुछ टाइम मिल सके। तो अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, अच्छे से चकाचक होना चाहिए। अच्छा। और अच्छा खासा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा खासा नहीं, जो भी होगा मिल जाएगा पेमेंट आपको, तो अच्छे से साफ कीजिए। मेरे पॉकेट से ही दोगी तो? अच्छा, मेरे पॉकेट काट के तुम पेमेंट दोगी ना? ठीक है, जो भी समझो, लेकिन अच्छे से साफ करो। और ये देख रहे हो ना गाइस, ये अंदर में जो है ना, ये छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा मतलब घर बना लिया है। और पता है किससे साफ हो रहा है? शायद ये आपको लग रहा होगा, ये जो डब्बा देख रहे हो ना, ये आपको लग रहा होगा कि कॉलिन का डब्बा है, बट ये कॉलिन का तो डब्बा जरूर है, लेकिन इसमें कॉलिन है नहीं, इसके अंदर सैनिटाइजर है। थोड़ा सा डब्बा लाइए ना, डब्बा दीजिए थोड़ा सा, ये देखो, ये कॉलिन का डब्बा है, लेकिन इसके अंदर सैनिटाइज़र है। और हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं हर चीज़ में, सैनिटाइज़र से ही साफ़ सफाई करते हैं, सब कुछ होता है। तो फ्रेंड्स, ये अभी टिफ़िन के लिए मैगी बन रहा है, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैगी मसाला दिया जा रहा है, और साथ में बॉइल्ड एग्स है, बॉयल्ड अंडा और मैगी। और मैगी बन रहा है ऐसे, मैगी मसाला पहले दिया गया, और उसमें नमक और जो भी मसाला हो आप लोगों को स्वाद अनुसार आप लोग दे सकते हैं। तो अभी का टिफिन मैगी में स्वाद अनुसार ऐसा नहीं है कि चिकन मसाला, धनिया मसाला, सारा मसाला डाल दो, अपना अपना टेस्ट है, और नमक ही चलता है, ज़्यादा मसाला सब्जी अपना अपना टेस्ट डाल दो, अपना अपना टेस्ट है। स्पाइसी कोई भी, किसी को स्पाइसी ऑनियंस गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, तो अपने तरीके से आप इसको
डेकोरेट कर सकते हैं, चीज डाल सकते हो, छोटा छोटा चिकन पीस डाल सकते हो, तब खाने में और ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये मैगी और अंडा बॉईल हो रहा है, और यहाँ पे ये रखा हुआ है राइस, जो कि आज की बिरयानी के लिए राइस है, तो इसको बॉईल करेंगे बाद में। ये कोई ब्रांडेड राइस नहीं है, ये यहाँ का लोकल मेड राइस है, लेकिन बहुत बढ़िया ये राइस है। तो आज का जो बिरयानी बनेगा इसमें ये राइस हम लोग यूज़ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो बिरयानी के लिए अभी हम रेडी कर रहे हैं मसाला वगैरह, और इसमें तो बिरयानी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा प्याज और लहसुन की मात्रा ज़्यादा होने से ही टेस्ट होता है, और साथ में आप बहुत तरह का बिरयानी होता है, आप लोग कैसे बनाते हो बताना, लेकिन हम लोग कैसे बना रहे हैं वो आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी मसाला के लिए तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये आगे हम ये लहसुन लेके, जो कि आज की बिरयानी में यूज़ होने वाला है, तो मेरा काम है लहसुन को छीलना, लहसुन की जो कलियां है उसको निकाल के रखना है। तो चलिए हम फटाफट अपना लहसुन जो है उसको निकाल के रखते हैं। जो कि बहुत सबसे ज़्यादा टफ और बोरिंग काम है, और जो कि मुझे भी दिया जाता है लहसुन का कलियों को निकालने के लिए, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम हमको दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इजी काम जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इजी आसान काम। मेरा फेस नहीं आ रहा है हम, इसलिए हम थोड़ा सा हाय हेलो करके कैमरा को थोड़ा सा और पीछे हम कर देते हैं, और यहाँ से आप लोग को प्रॉपर व्यू दिखेगा और हम भी साइड से दिखेंगे। तो ये देखिए मेरे हाथ में ये लहसुन का कलिया है, लहसुन की कलियों को हमको निकालना है। और आज के ब्लॉग में जो भी एक बिरयानी मेकिंग और ईटिंग चैलेंज होने वाला है, देखिए सबसे ज़्यादा बोरिंग काम इसी में लगता है, ये लहसुन की कलियों को निकालना और ये मोबाइल को पकड़ना, आगे पीछे करना। ये एक कलिया निकल गया है, एक कली जो निकल गया है सबसे ज़्यादा। अगर आप लोगों को पता है, अगर लहसुन छीलने के लिए अगर कोई मशीन अगर मतलब आया होगा मार्केट में, नया मशीन अगर आया होगा, सब कुछ निकालने का मशीन आ गया है आजकल, रोटी बनाने का मशीन आ गया, प्याज निकालने का मशीन आ गया है, चॉपिंग का मशीन आ गया है, लहसुन छीलने का मशीन है हस्बैंड। तो आप लोग अपने अपने हस्बैंड लोग से लहसुन छिलवाइए, इससे अच्छा मशीन अब मतलब आएगा ही नहीं कभी, है ना। तो गाइस अगर आप लोगों को लहसुन छीलने के लिए कोई मशीन अगर आप लोगों के
आप लोगों को ध्यान में है, अगर आप लोगों को पता है अगर ऐसा कोई मशीन, मुझे तो पता नहीं है अभी तक लहसुन छीलने के लिए कोई मशीन या लहसुन छीलने के लिए कोई इक्विपमेंट आया है जो कि इसका जो ये स्किन है इसको निकाल देता है आराम से, तो अगर ऐसा कोई मशीन या ऐसा कोई इक्विपमेंट औजार आप लोगों को ध्यान में है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा लहसुन छीलने के लिए कोई भी अगर इक्विपमेंट हो तो। तो चलिए ये अभी तक के लिए ये लहसुन छीलने वाला काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ नाखून को ही दिया गया है, तो हम अपना नाखून के इस्तेमाल करते हुए लहसुन की कलियां जो है उसको हम निकाल लिए हैं। मेरा फेस नहीं दिख रहा है इसलिए हमको बार बार झुकना पड़ रहा है, और यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स मतलब बिरयानी के लिए जो जो साजो सामान चाहिए वो सब यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोटैटो को, ये होल पोटैटो हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये होल पोटैटो यहाँ पर छील के रखा हुआ है, होल पोटैटो है, और बारीकी से कटा हुआ ये टोमेटो है। तो बिरयानी के साथ आलू जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, बहुत अच्छा लगता है अगर आलू सही से बॉयल्ड हो और सही तरीके से जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में बन रहा है प्याज, जो कि प्याज और इनका आँख मचल रहा है प्याज निकालते हुए। और ये प्याज निकाला जा रहा है, ऑनियंस जो है निकाला जा रहा है, ऑनियंस भी हम लोग आज में आ रहा है गाइस, और साथ में ये शैतान कर रहा है मेरा 90 पकड़ के खींच रहा है, काट रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मिट्टू मिट्टू जो है यहाँ पे साइड में दिक्कत कर रहा है, हम लोगों को काम करने में दिक्कत कर रहा है, हम लोग जमीन में ही निकाल दे रहा है, अपना सिर निकाल रहा है और मेरा नाइटी पकड़ के काट दे रहा है, जमीन में बैठे हैं शैतानी है। देखिए तो ये मिट्टू देखिए हाथ निकाल रहा है, कोई भी चीज़ अगर आप खाइएगा, कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाना खाते हैं तो मिट्टू गोल गोल घूमते रहता है और उसको वो खाना चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव पंछी है, बहुत समझदार पंछी है, सब कुछ समझता है, सब कुछ एहसास कर सकता है। तो प्याज देखिए प्याज काटा जा रहा है, बारीकी का प्याज हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें प्याज का पेस्ट यूज़, ऑनियन पेस्ट यूज़ करेंगे और कुछ कुछ ऑनियन का स्लाइस करके हम लोग रखेंगे उसको एज ए बरिस्ता, हम लोग बिरयानी में बरिस्ता के दौरान रहे हैं गाइस, अभी हम लोग काट रहे हैं बनाएंगे। तो अभी आँखों में आँसू आ रहा है, तो फटाफट जो है ये सामने जो रखा हुआ है ये सब चीज़ को हम लोग फटाफट बना के और रेडी करके आप लोगों के सामने आते हैं। फिर दूध में उबाल आ गया है, तो फ्रेंड्स ये देखिए चलो फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा का डिस्टर्ब हो गया था, तो इसमें हम लोग ऐड किए हैं विनेगर, ऐड किए हैं चिकन, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कुछ भी वीडियो नहीं हुआ है, ये चिकन में थोड़ा सा जीरा और आधी पेस्ट किया पेस्ट हुआ है वो डाले हैं और विनेगर डाले हुए हैं और हल्का सा सोया सॉस डाले हैं और इसी को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे हम, थोड़ा सा सॉल्ट नहीं चाहिए। और हम ये बिल्कुल देसी क्या है देसी चिकन बिरयानी है क्योंकि हाथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, अधिकतर तो सब कोई चम्मच और ब्ला 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 यूज़ करते हैं लेकिन मैं हाथ से यूज़ कर रही हूँ, हाथ से तो अच्छे से मैरिनेट हो पाएगा और टेस्ट भी बढ़िया। तो ये देसी स्टाइल से बन रहा है, घर का स्टाइल से बन रहा है, तो घर का स्टाइल है और इसमें सो इसको हम लोग रख देंगे कुछ देर के लिए मैरिनेशन के लिए। और ये सब इन्ग्रीडियंट्स जो है ये साथ के साथ है पोटैटो और ये सब है, और इसको हम लोग चलिए चावल को थोड़ा सा पहले अभी हम लोग बॉयल कर लेते हैं। और ये है आपका टोमेटो, ये प्याज हम बारीकी से कटा हुआ, ये लहसुन और मिर्ची है और ये इसको पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये जो प्याज देख रहे हो इसको पेस्ट करने वाले हैं और ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऊपर से डालने वाले हैं। और साथ में है ये आलू, इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्राई कर लेना है। और ये सलाद के लिए हम प्याज काट के रखे हुए हैं गोल गोल, इसको बाद में ऐसे करके छुड़ाना है। तो इसमें हम लोग पहले पोटैटो को जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा तेल हम लोग सैलो फ्राई कर लेंगे। और ये पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है साइड में, इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक और हल्दी के साथ इसको थोड़ा सा नमक और हल्दी हम लोग इसमें ऐड किए हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग फ्राई करेंगे और इसको देख सकते हैं तब तक तेल जो है ये फ्राइंग मोड में आ गया है और इसको हम लोग गर्म करने के लिए दिए हैं,
और ये पोटैटो को हम लोग हाथ से मिक्स कर लेते हैं। नीचे वाला उबलेगा, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे आलू, तेल गर्म हो चुका है, आलू इसमें ऐड करेंगे। आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है, नहीं तो आलू हार्ड रह जाएगा। उसके बाद ये पेस्ट करें, तो इसको इसका पेस्ट करो, तो जो भी पेस्ट वगैरह इसमें जाने वाला है, ऑनियन गार्लिक जो है, तो इसको हम लोग पहले मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ये ऑनियन ऐड करेंगे, ये आ गया है ऑनियन। इसका पोटैटो का फ्लेम थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं क्योंकि ये जल ना जाए, धीरे 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 होता जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐड कर चुके हैं गार्लिक, तो ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ये इसका जो कटोरा है थोड़ा सा छोटा है, स्मॉल साइज का है, तो इसको हम लोग बारीकी से पेस्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले पेस्ट करने जा रहे हैं, ऑनियन पेस्ट हो रहा है और साथ ही में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू भी फ्राई हो रहा है। तो चावल को थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, पानी उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, जो भी है उसमें मैल रहता है, जो भी डस्ट पार्टिकल रहता है, पानी थोड़ा सा निकाल लेंगे उसमें से, एक दो बार धो के निकाल लेंगे चावल से, ताकि चावल थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि चावल पॉलिश भी रहता है तो इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल रहता है। चावल को धो के उसमें जो भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह जो भी है वो निकाल देंगे, तो चावल एकदम सफ़ेद हो जाएगा। और आइए इसमें अभी इसको हम लोग पानी में मिलाएंगे, गरम पानी बॉयल हुआ है, इसमें लिया हुआ था, तो ये चावल हम लोग कुक होने के लिए, बिरयानी राइस जो है चावल को हम लोग कुक होने के लिए पानी में दे दिए हैं। थोड़ा सा इसको हल्का सा कुक कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा हार्ड भी रखना है, क्योंकि इसको फिर फाइनल इसको दम में बैठाना है, बैठाया जाता है, तो उसमें भी ये कुक होता है, दम में बैठाते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा कुक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कुक होने के बाद करेंगे। इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स इसमें ऐड कर रहे हैं, फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और इसमें जीरा हम लोग ऐड किए हैं, और इसमें पहले हम लोग यूज़ करते हैं जिंजर और क्यूमिन का जो पेस्ट है उसको पहले हम लोग यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ रखा हुआ है ऑनियन और गार्लिक पेस्ट किया हुआ रखा हुआ है, तो ये पेस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले चिकन का ग्रेवी बनाने के लिए चीज़ हम लोग कर रहे हैं, चिकन का थोड़ा सा ग्रेवी बना लेंगे। मसाला दीजा, मसाला दीजिए, और साथ में इसमें नमक दे रहे हैं स्वाद अनुसार, हल्दी, ये है जीरा पाउडर,
आप लोग जितना क्वांटिटी में बनाएंगे उतना क्वांटिटी में मसाला डालना। ये है मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। तो पहले तो हम लोग इसका ग्रेवी बना लेंगे, उसके बाद और में साथ में गाइस आप लोग चिकन मसाला या बिरयानी मसाला भी दे सकते हो। फिलहाल अभी अवेलेबल है नहीं घर पे, तो जो है घर में वही यूज़ कर रहे हैं। और ये चावल हो गया है, चावल का पानी हम सूखने के लिए दिए हैं। ये थोड़ा सा हवा में रहेगा तो ये थोड़ा सा सटा हुआ जो है वो छूट जाएगा। और अच्छे से चावल ये बॉईल हो चुका है। अब हम यहाँ पे मेरा बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है यार, इसके ऊपर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन अब इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से कलर आने तक फ्राई करेंगे। क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से बना रही हूँ तो दिक्कत हो रहा है। ये फ्रेंड्स तेल गरम हो चुका है, अलग पैन में ये जो बारीकी से कटा हुआ प्याज था वो हल्का सा फ्राई करके, और इसमें सामने में ही देख रहे हो बिरयानी मसाला, बिरयानी रेडी हो रहा है उसमें दे देंगे। ये इसको अलग से फ्राई कर ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स अब इसको दम के लिए बिठा दी हूँ, और ये देख रहे हो दम के लिए मैं ये तावा यूज़ कर रही हूँ, और तावा के ऊपर इसको बिरयानी को बिठाई हूँ। ये अभी एक घंटा तक ऐसे ही रहेगा मीडियम आंच पे, और इसको डायरेक्ट नहीं बिठाती हूँ क्योंकि ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे ही तावा के ऊपर फ्लेम में बिठाई हूँ। और ये अभी एक घंटा ऐसे रहेगा।